हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज श्री डिजिटल। आज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास फॉर्म अंडरराइटिंग लिया था हमने, सम बेनिफिट गिवन इंक्लूडिंग वाला। आज भी सेम सम ले रहे, बट वो वर्ड जो इंक्लूडिंग है नहीं दिया, तो पहचानेंगे कैसे वो इंक्लूडिंग है। तो पिछले में था इन ऑल, मैंने ऐसा वर्ड बोला था, इन ऑल मतलब सब के साथ, तो वो इंक्लूडिंग हुआ। बस थोड़ा सा अलग पहचान, पिछले समय भी सेम था, लेकिन पिछले समय मैंने उस चीज को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया, यहाँ पे वर्ड था इन ऑल। आज का भी क्वेश्चन वैसे ही, जरा ध्यान देना। जुपिटर लिमिटेड इशूड 10,000 shares of 100 each. The entire issue was underwritten as follow. पिछला सम कंपेयर करना, सेम रहेगा। सन, मून, स्टार, ये उनकी ग्रॉस लायबिलिटीज है, और ब्रैकेट में दिया है फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग। इसका मतलब ग्रॉस लायबिलिटीज में मेरा फर्म अंडरराइटिंग कितना है वो दिया है। जब भी ग्रॉस लायबिलिटीज है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जब भी ग्रॉस लायबिलिटीज में फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड है, इसका मतलब जो भी एप्लीकेशन आएगा वो इंक्लूडेड ही रहेगा। बोला है, नहीं बोला है, वापस वापस वापस, रिपीट रिपीट रिपीट। ये है, जो भी एप्लीकेशन आया है, ये ग्रॉस लायबिलिटीज है, और ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब इसी के अंदर हुआ ना वो, बराबर है, तो इसी के अंदर फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग है। इसका मतलब ग्रॉस लायबिलिटीज में, अगर नॉर्मल केस में फॉर्म अंडरराइटिंग अलग से लिख के देते थे, इधर से अलग लिख के नहीं दिया है, खाली बोला है फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग, फॉर्म अंडरराइटिंग। इसका मतलब ये है कि जब भी ऐसे टाइप का सम आएगा, पिछला सम भी सेम था, लेकिन पिछले समय मैंने इसके बारे में डिस्कस भी नहीं किया, लेक्चर नंबर 5 में ऐसा ही हुआ है सब, बराबर है। बट वहां पे बोला था इन ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऐसा वर्ड यूज किया था, यहां पे ऐसा कुछ यूज ही नहीं किया। बोला है शेयर अप्लाइड फॉर वेयर 9,000 शेयर द फॉलोइंग द मार्क्ड एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग फॉर्म अंडरराइटिंग। वर्ड आ गया, अगर ये वर्ड नहीं रहता इंक्लूडिंग, तो भी अजम्पशन क्या लगा था मैं, ये इंक्लूडिंग ही है। बात समझ में आया, अगर ये वर्ड नहीं रहता फॉर्म अंडरराइटिंग, तो हम क्या करते, बाय डिफॉल्ट इसे हम लोग क्या अज्यूम करते, ये इंक्लूडिंग वाला है, ठीक है क्या। बाकी सम तो जैसा आप कर रहे थे सेम टू सेम होगा। कितने शेयर बेचने भाई मेरे को, कितने शेयर बेचने, 10,000, 10,000 शेयर बेचने के लिए सन, मून और स्टार, तीन अंडरराइटर्स आ गए मेरे पास। सन ने कितने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, 5 का, इसने 3 का, और इसने 2 का, रेशियो 5:3:2 हो गया, GLR। यहां तक क्लियर? अब 10,000 शेयर बेचना था, एप्लीकेशन कितना आया बाबा, एप्लीकेशन कितना आया, इंक्लूडिंग के एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग है, बराबर है, इंक्लूडिंग है, तो आंसर कितना आएगा, 1,000 प्लस फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है भाई, 1,500, 2,000, तो 1,000 प्लस अपना फाइनल आंसर कितना आना चाहिए। बात समझ में आ गया, हर समय सी कर रहे थे, पिछला लेक्चर भी सेम था। अब जो एप्लीकेशन आया उसके कितने पार्ट होते हैं, 2, बट इसमें 3, वेरी गुड। यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क और फॉर्म अंडरराइटिंग, मैंने इधर लिखा नहीं है, मैं आगे लिखूंगा, बट आप 3 पार्ट कर सकते हो, क्लियर। इंक्लूडिंग में मैंने वर्किंग में बताया था, मार्क्ड बीच में लिखा था मैंने, बीच में लिखा था फॉर्म, और बाद में अनमार्क लिखा था, तो सवाल आया था बीच में क्यों लिखा है, मैं आज साइड पे लिख देता हूँ, ठीक है यहाँ तक। चलिए इसमें मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 3,500, 1,400 और 1,600, बराबर, मैं लूंगा नहीं, याद करो, वेरी गुड, 3,500 है, 1,400 है, 1,600, उसमें से माइनस करूंगा मैं मार्क्ड एप्लीकेशन 1,000, मार्क्स 500 और 500, जो बच गया ये मेरा मार्क्ड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग के केस में, बराबर। तो यहाँ पे 4,500 मार्क्ड एप्लीकेशन है, अनमार्क कितना, अनमार्क कितना, टोटल 9,000 आया था, 4,500, तो अनमार्क कितना, 4,500, गलत, फॉर्म अंडरराइटिंग है ना, यहाँ पे ऐड फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, 2,000, तो 9,000 में 4,500 तो तुम्हारा मार्क्ड हो गया, 2,000 तुम्हारा फॉर्म अंडरराइटिंग है, तो बचा कितना, 2,500। याद आया पिछले टाइम में मैंने पहले फॉर्म अंडरराइटिंग अलग कर दिया, फिर तो बच गया वो अनमार्क में डाला था, सेम अब फॉर्म अंडरराइटिंग बीच में कर दोगे, 2,000 पहले लिखोगे,
फिर मार्ग लिखोगे तो 4.5 + 2 कितना हो गया, 6.5, 6.5 में से बचा कितना, 2500, वो तुम्हारा अनमार्क है। वर्किंग क्लियर? अब बेनिफिट गिवन या नॉट गिवन क्या बोला है, कैलकुलेट लाइबिलिटीज ऑफ ईच अंडर राइटर, बस इतना ही बोला है, बराबर है। तो अपने को क्या ट्रीट करना है, गिवन। तो यहाँ पे मैं दोनों सोल्यूशन दे रहा हूँ, बेनिफिट गिवन का भी बता रहा हूँ और बेनिफिट नॉट गिवन का भी बता रहा हूँ। अभी अज्यूम करो गिवन है, गिवन मतलब ये जैसा है वैसे ही बटेगा, और ये कौन से रेशियो बटेगा, जी एल आर में। जब बेनिफिट गिवन है तो फॉर्म अंडरराइटिंग जैसा दिया है वैसे ही, और इसे हम लोग जीएलआर में बांटेंगे। तो 2500 को जीएलआर क्या है, 532। तो 2500 इंटू 5 / 10 कितना आ रहा है, देखो 1010 का 2500 मतलब 1250 बराबर है, 2500 इंटू 3 / 750 और 2500 इंटू 2 मतलब 500, ये समझा ना। और बेनिफिट गिवन है तो जैसा दिया वैसे ही सेम टू सेम लिख दूंगा मैं। वर्किंग क्लियर? हाँ पक्का एविएटर? चलो पहले मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आएगा, मार्क्ड एप्लीकेशन 2500 और 1100 टोटल 4500 माइनस करते तो इधर 2500 आएगा, 2100 इधर 900 बराबर, इधर 6.5 बराबर माइनस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आपके पास है 5:3:2 में 1250 750 500 बराबर है, बैलेंस आ जाएगा। कितना बैलेंस आ रहा है, 2500 में 1250 ही आएगा, 2100 माइनस होगा 750 में तो 1350 बराबर, और इधर 400 पॉजिटिव 3000। इसमें माइनस करेंगे फर्म अंडरराइटिंग, क्यों, बेनिफिट देना है, बेनिफिट देना है तो फर्म अंडरराइटिंग माइनस होगा 1500 बराबर। बैलेंस आएगा 250, बैलेंस आएगा 850, बैलेंस आएगा -100 बराबर। -100 को कौन किस में एडजस्ट करेंगे, ए और सॉरी मतलब सन और मून में 5:3 में, तो 100 × 5 / 8 वेरी गुड। तो 100 × 5 / 8 करो कितना आ रहा है, 63। 100 × 3 / 8 करो कितना आ रहा है, 37। 100 में से इधर गया तो बैलेंस उधर ही आएगा, ये तो पॉजिटिव ये तो जीरो हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है बैलेंस, 250 में 63, 187, 850 में 37, 813, 100 माइनस 100 जीरो हो गया। अभी फॉर्म अंडरराइटिंग ऐड कर देंगे, चलिए फिर ऐड करते हैं। फॉर्म अंडरराइटिंग कितना है, 1500 ऐड कर दो, देखो कितना बैलेंस आ रहा है बाबा, तो 1000 और 2000 3000 होना चाहिए। इसको 1187, इसको 1313 और 500, 3000 आ गया, आंसर 3000 था। समझा ये, पक्का समझा 100%। ये था बेनिफिट गिवन, बेनिफिट गिवन का वर्किंग समझ में आया। सेम क्वेश्चन ले रहा हूं अब, बेनिफिट नॉट गिवन, एवरीथिंग इज सेम, जैसा आपने वर्किंग बनाया था सब चीज सेम ही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। खाली यहाँ पे जब आप आओगे, कहाँ पे जो एप्लीकेशन आया है, ये तो वर्किंग सेम था भाई, 4500 2000 और इसका था 2500, यहां तक तो सेम था। अब चेंज क्या होगा, नॉट गिवन है, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है 4500। अब 4500 कौन से रेशियो बटेगा, 5:3, बस फर्क समझ में आ जाता है। इफ दिस इज डन टॉपिक इज क्लियर, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग याद रखो, बाकी टॉपिक कुछ भी नहीं है। अब तक ऐसे ही सम्स करवाया मैंने, और एक लेक्चर में ऐसे टाइप के करवाऊंगा, फिर जनरल एंट्रीज के 2 लेक्चर ले लूंगा, क्लियर है। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं 4500 डिवाइड होगा तो 4500 × 5 / 10 450 को 5 बार मतलब 900 900 1800 1800 और 450 2250 है, 2250 450 900 और 450 1350 और 900 ही आएगा बराबर। और कुछ वर्किंग बनेगा क्या, नहीं। मार्क्ड एप्लीकेशन जैसा है वैसे माइनस हो गया, ध्यान रखना मार्क्ड में ये नहीं लिखा है मैंने, मार्क्ड में ये लिखा है, वेरी गुड। अनमार्क्ड एप्लीकेशन 2250 1350 900 4500 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस 250, बैलेंस 750, 0 1000 माइनस फॉर्म अंडरराइटिंग होगा क्या, ऑलरेडी हो गया, खाली अपने को अभी ऐड करने का है, ऐड कर दो, कोई भी नेगेटिव बैलेंस है नहीं तो एडजस्ट करने का टेंशन खत्म। समझा ये आपको, अंडरस्टूड? जब बेनिफिट नॉट गिवन है तो कैसे करते है? समझा, बेनिफिट गिवन है तो क्या करना है, समझ में आ रहा है? तो यही तुम्हारा टॉपिक है, क्लियर पक्का। तो आज इतना ही करते हो, फ्री वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।